मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए मुझे, मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए। हमें कोई नॉलेज नहीं था जरा सा भी, अचानक पता चलता है कि हमारी बेटी ऐसी कर रही है, इसलिए हमें प्लीज मौका दिया जाए। ये महिला अपनी बेटी से मिलना चाहती है, गुहार लगा रही है कि इसको इसकी बेटी से मिलने दिया जाए। कह रही है कि इसकी बेटी का ब्रेन वॉश हुआ है और वो उससे मिलकर उसे समझाएगी। मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए मुझे, मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए। हमें कोई नॉलेज नहीं था जरा सा भी, अचानक पता चलता है कि हमारी बेटी ऐसी कर रही है, इसलिए हमें प्लीज मौका दिया जाए, एक बार बस मौका दिया जाए, एक बार बस भगवान प्लीज, एक बार बस, एक बार। जबलपुर के सिहोरा में रहने वाले मुस्लिम युवक और इंदौर की हिंदू युवती ने कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन दिया था, साथ ही साथ दोनों ने कोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी। हालांकि जैसे ही अपनी बेटी के जबलपुर में रहने की सूचना उसके घर वालों को मिली, वो जबलपुर पहुंच गए। इस दौरान युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पूरी साजिश के तहत फंसाया गया है। तहत एक षड्यंत्र के रूप में पूरी तैयारी के साथ मेरी बालिका को मानसिक ब्रेन वॉश कर इस केस में उलझाया गया है और वह पूरी तरह से इस तरह की नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एक बार कोर्ट हमको मौका दे दे, एक बार हमको से मिलने का मौका दे दे, उसके बाद अब वो जो भी कहेगी जैसा भी कानून करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोग पक्ष में हैं शादी के? पक्ष में तो नहीं है, माता पिता हैं, जेहद का मामला है, बाकी एक बच्चा और कानून क्या कर सकता है, हम कोशिश करेंगे कि। उधर इस पूरे मामले में कोर्ट ने युवक और युवती से बात करने के बाद एक आदेश जारी किया है। युवती को 15 दिन तक के लिए नारी निकेतन भेज दिया गया है। इस दौरान उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं युवक को भी कड़ी सुरक्षा देने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पुनः माननीय उच्च न्यायालय में लिस्ट हुआ, जिसमें पिटिशनर के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना पावर विड्रॉ किया है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि जो पीड़िता नंबर वन ने जो पिटिशनर्स है उसको 15 दिन के लिए नारी निकेतन में रखा जाएगा, उसको सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाएंगी और SP को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा और पिटिशन नंबर 2 जो लड़का है युवक है उसको भी प्रोटेक्शन दिया है कि उसको उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। माँ को मिलने की अनुमति है? नहीं, किसी को मिलने की अनुमति नहीं है, ना फोन से कॉन्टेक्ट करेंगे। स्पेशल कोर्ट ने स्ट्रिक्टली आदेश पास किया है, SP जबलपुर को निर्देशित किया है कोई भी किसी प्रकार से उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, अगर ये कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कोर्ट परिसर में युवती और उसके घर वालों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन युवती ने अपने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और धक्का दे दिया। लेकिन इसके बावजूद युवती की माँ उससे मिलने की गुहार लगाती रही। आपको बता दें कि शादी को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बताते हुए शादी को रुकवाने को लेकर अड़े हुए हैं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।